बडनेरा अमरावती मुख्य मार्ग पर सीमेंटीकरण का कार्य चल रहा है। यह कार्य बडनेरा तक पहुंच चुका है, लेकिन जूनी बस्ती स्थित मुख्य चमन नगर चौराहे पर अंडरग्राउंड मार्ग बनाने की मांग को लेकर क्षेत्र के पार्षद और सैकड़ों नागरिकों ने शुक्रवार की दोपहर में यह कार्य रोक दिया। क्षेत्र के पार्षद मोहम्मद साबिर, मोहम्मद इमरान, गंगा अंभुरे, पूर्व नगर सेवक अयूब खान, हाजी जाकिर, कमरुद्दीन समेत अन्य ने संदर्भ में मुख्य कार्यकारी अभियंता देशमुख से चर्चा की। अमरावती बडनेरा मुख्य मार्ग पर बने चमन नगर चौराहे पर अंडरपास कितना जरूरी है, इस पर जमकर बहस भी हुई। इस वक्त नगर सेवक मोहम्मद साबिर ने बताया कि वर्ष 2016 से चमन नगर में अंडरपास बनाने के लिए निवेदन एवं आंदोलन किए जा रहे है। वर्ष 1986 से 6 मासूम बच्चे दुर्घटना का शिकार हुए है, जबकि कई महिला एवं बुजुर्ग दुर्घटना से अपाहिज हो गए है। पूर्व पालक मंत्री प्रवीण पोटे, सांसद नवनीत राणा समेत लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने यहां अंडरग्राउंड मार्ग बनाने का आश्वासन तो दिया था, लेकिन अब वे वादे से मुकर रहे हैं। निर्माण विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने जनता को समझाने की कोशिश की कि यह मार्ग बनने के पश्चात यहां के क्षेत्र के नागरिकों को ही सुविधा होगी। यूनिवर्सिटी के मुख्य रोड का मांग काम बंद पड़ा हुआ है, और इस बारे में आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है कि काम क्यों बंद किया गया है और काम कब तक बंद रहेगा? तो यहाँ से 2016 से हम बीएनसी को, कलेक्टर साहब को निवेदन देते आ रहे हैं। इस स्पॉट पे सपना जी मंदिर के पास में जो बस्ती से चमन नगर को पिंपरी रोड को ये रास्ता जोड़ता है, शमशान भूमि है, कब्रस्तान है, स्कूल है, यहाँ मासूम जो बच्चे स्कूल जाते हैं वो 6 बच्चों का इस स्पॉट पे मृत्यु हो चुका है, और हम 2016 से निवेदन देते आ रहे हैं। लेकिन प्रशासन का ये बोलना है, बीएनसी के ऑफिसर लोगों का ये बोलना है कि यहाँ जो अंडर ब्रिज, जो अंडर पार्ट है वो दिया गया था, पहले हमको ऐसा आश्वासन मिला था। उसके बाद जब काम चालू करने लोग आए तो इनसे पूछा तो बोले ये अंडर पार्ट जो है वो कैंसिल हो गया। तो उसके बाद में हमने ऑफिसर लोगों से, बीएनसी के साफ लोगों से बात किया, उन्होंने हमको ये बताया कि ये काम हम चालू कर रहे थे, हम उसके कारण ये काम रोक दिया गया कि हम बच्चों के जानों से खिलवाड़ नहीं कर सकते। तो इसके कारण ये जब तक फुट ऑफ ब्रिज यानी ओवर ब्रिज जब तक हमको मिलता नहीं या फिर अंडरपार्ट मिलता नहीं, हम ये तब तक काम होने नहीं देंगे, ये हमारी मांग है। क्या लगता है आपको भी कि इस बारे में ये जो आपने निवेदन दिए थे, 3 सालों से प्रशासन ने इसके ऊपर में उचित कार्रवाई नहीं की, तो क्या वजह हो सकती? अब जो साबिर भाई ने जो बताया कि हम चारों भी कारपोरेटर ने जब पालक मंत्री प्रवीण भाव बोटे थे तब निवेदन दिया था, और उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि ये रोड अपन भुयारीगढ़ करेंगे, लेकिन हमने देखा कि अब जो ये लोग आए काम करने के लिए तो ये बोल रहे कि ये रोड अपने इसमें सैंक्शन नहीं है, तो ये क्या करें, हम जान से खिलवाए, बडनेरा जंक्शन है, यहाँ से रहदारी बहुत चलती है, यहाँ पे स्कूल है, मार्केट है, सब इधर का, ये जूनी बस्ती है, उनको मालूम है फेमस है, स्मशान भूमि है, कब्रस्तान है, और यहाँ पे बच्चे हमारे आंखों से हमने देखा बहुत सारे एक्सीडेंट यहाँ पे हो गए, इसलिए ये जान से खेलने के खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, इसलिए हम जब तक यहाँ पे भुयारी का यानी ये नहीं होगा, रास्ता नहीं होगा, तब तक हम होने नहीं देंगे। इस समय क्षेत्र के पार्षद एवं नागरिक इस बात पर अड़े थे कि चमन नगर चौराहे पर अंडरग्राउंड मार्ग बनेगा तो यह विकास कार्य आगे बढ़ेगा, वरना यह विकास कार्य वे नहीं होने देंगे। जनता की जीत के आगे निर्माण विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारी बेबस नजर आए, लेकिन मुख्य कार्यकारी अभियंता देशमुख ने इस संदर्भ में क्षेत्र के पार्षदों से आह्वान किया है कि वे कार्यालय में एक बार आकर चर्चा करें, जिसके चलते कुछ न कुछ इस चौराहे के संदर्भ में हल निकाला जाएगा। निवासी क्षेत्रवासियों की मांग है कि इस रोड के ऊपर में भुयारीगढ़ जो मार्ग रहता है वो बनाया जाए, किंतु प्रशासन की ओर से पिछले 4 सालों में इसके ऊपर में ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जिसके चलते आज भी यूनिवर्सिटी सहित अमरावती वासी तकलीफ झेल रहे हैं। आखिर इसका हल क्या निकल सकता है? कसा है हा रस्ता जो है हा केंद्रीय मार्ग नीति मध्ये मंजूर है, आणि हा रस्ता जेव्हा याचा प्रस्ताव बनवला गेला तेव्हा यामध्ये अंडरपास हा समाविष्ट नव्हता। जेव्हा लोकांची मागणी आली तेव्हा तत्कालीन पालकमंत्री पोटे साहेब म्हणा किंवा आमदार आपले रविभाऊ राणा म्हणा यांनी माझ्या मते यांना आश्वासन दिलं होतं असं या लोकांचं म्हणणं आहे। परंतु जेव्हा आपण याचा प्रस्ताव सादर केला होता की अंडरपास करावा लागेल, परंतु केंद्रीय मार्ग निधीचं काम असल्या कारणाने आपल्याला हा प्रस्ताव करता येत नाही, याच्यासाठी आपण बराच पाठपुरावा सुद्धा केला परंतु ते होत नाहीये। त्यामुळेच आपण इथल्या नागरिकांना विश्वासात घेऊन ज्यांना आपण ऑफिसमध्ये बोलवत आहे आपण इथे काय करू शकतो, चांगल्या चांगल्या प्रकारे कसं करू शकतो, जंक्शन इम्प्रूव्हमेंट कसं करू शकतो, हे यांना आपण कागदावर समजून सांगू, आणि त्याच्यानंतर सुद्धा हा रस्ता झाल्यावर जसं याच लोकांनी आपल्याला ऑप्शन दिलं की एक फुट ओव्हर ब्रिज आपल्याला करता येईल,
हा सुद्धा एक योग्य पर्याय आहे, आपल्याला इथे करता येईल आणि हा जो म्हणजे दळणवळणाचा यांचा हा मुख्य मार्ग आहे हा सॉल्व होऊ शकतो। करिता माझी या सर्वांना विनंती आहे की आपण एका ठिकाणी बसू, आपण आमचं डिपार्टमेंटचं काय म्हणणं आहे ते समजून घ्या आणि त्यानंतर वाटल्यास आपण मी याच्यावर विचार करू शकतो। परंतु अशा प्रकारे हे काम रोखणं हे योग्य नाही, आपण बसून हा चर्चा करायला पाहिजे आणि प्रश्न निकाली काढायला पाहिजे। कधी बोलवला मग तुम्ही यांना सर्वांना? आपण सोमवारी कार्यालयात बोलवलं, यांची 4-5 लोक प्रतिनिधी स्वरूपात या म्हटलं, आम्ही त्यांना समजून सांगू की आम्ही इथे कशाप्रकारे काम करू शकू आणि त्यांना जर पटलं किंवा आमच्या हायर ऑफिसरचं जे काही म्हणणं राहील त्यानुसार आपण समोरची कार्यवाही करू। बडनेरा से विदर्भ न्यूज के लिए शोएब खान की रिपोर्ट।